रूम दिखाओ, जिंदगी में ना दिखाऊं अपना रूम मैं, कभी जीवन में तुम लोग को अपना रूम ना दिखाऊं यार। रूम देखोगे तो सोचोगे किस गरीब के रूम में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हेलो बच्चों, व्हाट्स अप गाइस। कैसे हो गाइज? आज मेरी शादी है, बधाई हो बेटा। अरे सर मजाक कम करते हो आजकल, क्यों? बोर्ड्स पास आ गया, कहो तो मजाक ही करूं। और गाइज हाउ आर यू? सी वॉट यू पीपल डू, यू पीपल स्पैम द चैट सेक्शन विद अ पर्टिकुलर कॉमेंट, बट आई थिंक यू पीपल फॉरगेट वन थिंग। मैं पुराना प्लेयर हूँ, तो स्पैमिंग डजेंट अफेक्ट मी एट ऑल। और ठीक है, मतलब हो सकता हो नए प्लेयर्स को ये चीज़ इफेक्ट करती हो, तो भैया ठीक है, इस अखाड़े में हम पुराने कुश्तीबाज हैं, ठीक है, तो स्पैमिंग डजेंट अफेक्ट मी। ये जो कर रहे हो ना तुम लोग, भगवान बेटा तुम लोग को इसकी सजा देंगे, हम नहीं जानते, भगवान से डरो। स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। आज वेव ऑप्टिक्स का नया लेक्चर है। कैसा लग रहा हूं मैं? इतने दिन बाद मैंने ब्लेजर चेंज किया है, उसके लिए कोई कमेंट नहीं कर रहा है, हा? बताओ, नया ब्लेजर। और इस ब्लेजर को मैंने कूड़े से निकाल के पहन लिया है, ठीक है, क्योंकि एक ब्लेजर पहन पहन के मैं थक गया था। मेरी क्या आदत है, मैं इस बार तो मैंने काफी टी शर्ट खरीद ली। देखो पहले मैं कुछ खरीदता नहीं था, मैं बहुत ही कंजूस आलसी इंसान हूँ, कंजूस से ज्यादा कह सकते हो कपड़ों वपड़ों को लेकर। तो पहले तो मैं बहुत कपड़े खरीदता ही नहीं था, वही चार पांच टी शर्ट में तुमको यूट्यूब में मेरे सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, वही चार पांच छह टी शर्ट होंगी, उसी में सब घूम फिर के पूरा खत्म किया है हमने, ठीक है। और ब्लेजर भी कहने को तो मतलब मैंने एक ब्लेजर लिया था, फिर पैसे आए और ब्लेजर लिए, पर घुमा फिरा के एक ही दो ब्लेजर होते हैं जो चिपके रह जाते हैं मेरे शरीर से। कपड़े, मेरी मम्मी कहती है कि कपड़े तुम्हारे शरीर से चिपक जाते हैं। और कपड़ों को उतार के मैं इतने सही तरह से रखता हूँ, यहाँ पास में मेरी एक चेयर है, उस चेयर पे एक एक कपड़े को फोल्ड कर करके मैं ऐसे पहाड़ जो बनाता हूँ सुंदर सा, आई होप यू पीपल कैन रिलेट टू इट, ठीक है, कि कैसा पहाड़ बनता होगा। फिर क्या हुआ कि वो हमारी बड़ी सिस्टर है, तो वो बोली कि वो रखो अपने रूम में, क्या बोलते हैं ये रखा, इसका नाम नहीं पता मुझे, अरे इसमें ऐसे करके बैठ जाओ तो ऐसे गिर जाते हैं, क्या होता है यार वो, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे एकदम बैठ जाओ एकदम बढ़िया, अरे आजकल बड़ा चला है मतलब बड़ा जमीन पे रख के बैठ जाओ, बीन बैग, बीन बैग है ना, तो बीन बैग चला है, तो बीन बैग बोली कि बीन बैग ले आते हैं तुम्हारे रूम में, बीन बैग रखते हैं, बीन बैग पे बैठोगे तो अच्छा लगेगा, तो बहुत मजा आएगा तुमको, ठीक है। तो अभी राइट नाउ आई एम एट माई होम ओनली, अभी हम ऑफिस से शूट नहीं कर रहे हैं, घर से शूट कर रहे हैं आजकल। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ तो बीन बैग पे बैठ जाओ, तो बीन बैग लेके आई, फिर बीन बैग पे बैठे, बड़ा मजा आया। अब बीन बैग पे बैठ ही नहीं पाते हैं, क्यों नहीं बैठ पाते हो? कपड़े यहाँ भी कपड़े आ गए, पता नहीं कहाँ से, इस पे भी कपड़े, इस पे भी किताब है, यहाँ एक चेयर है, इस पे भी कपड़े, इस पे भी किताब, वहाँ जमीन पे भी किताब है, उस तरफ जमीन पे भी किताब है, यहाँ भी मतलब पूरा रूम इस तरह से रहता है, ठीक है। तो बहुत ही अस्त व्यस्त रूम है, ठीक है। डांट नहीं खाते आप, क्या बोलते हैं उसको वर्ड को, क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्चर पॉइंट। अभी इलास्टिसिटी पढ़ा रहा था यकीन बैच में, नीड बैच में, यकीन बैच इज द बेस्ट फर्स्ट फॉर नीट ओनली एट 3500। हाँ तो अभी मैं यकीन बैच में नीट में इलास्टिसिटी पढ़ा रहा था, तो बेटा उसमें क्या होता है ना, मटेरियल को खींचो, स्ट्रेस लगाओ, खींचता है स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस लगाओ स्ट्रेन आता है, फिर एक पॉइंट आता है फ्रैक्चर पॉइंट, बेटा फ्रैक्चर पॉइंट पे खत्म, टूट गया। तो हम अभी उस पॉइंट से आगे निकल गए, तो डांट पड़ती है, पर वही क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, बेहा, तो कह सकते हो ढीढ़, हाँ कह सकते हो, तो उस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। डांट तो पड़ती है आज भी, है ना, और बताओ, नहीं चप्पल नहीं पड़ती है, अरे थोड़ी तो इज्जत रखो मास्टर की, हाँ ये सब बातें ऐसे पब्लिक में थोड़ी ना करते हैं। और बताओ क्या कह रहे हो, सर अगर स्कूल वालों ने इंटरनल में फुल मार्क्स नहीं दिए तो फिजिक्स में, निर्मल पांडे, मतलब निर्मल पांडे शोर है कि 70 में 70 तो मेरे आ ही रहे हैं, बस स्कूल वाले टीचर का दिक्कत है सर, कहीं वो 30 नहीं दिया तो, इधर तो मेरे 70 आ ही गए,
सब तैयार है, पूरा तैयार है, चार बार रिवीजन सब एकदम रेडी है, और वहां सर मान लीजिए उन्होंने 29 नंबर्स, मेरे तो 99 रह जाएंगे सर, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी सर, 99 नंबर सर, है ना। तो निर्मल पांडे इतना श्योर है, बेटा ज्यादा उड़ो मत, समझे निर्मल बेटा, है ना, ज्यादा उड़ो मत, है ना। और बताओ, रूम दिखाओ, जिंदगी में ना दिखाऊं अपना रूम, मैं कभी जीवन में तुम लोग को अपना रूम ना दिखाऊं, मेरा रूम देखोगे तो सोचोगे किस गरीब के रूम में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो मेरे रूम की हालत ऐसे ही है, तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स लोग हैं वो भी जब कभी घर जाते हैं, मैं रहता हूँ या मैं नहीं रहता हूँ घर पे, तो उनको रहता है कि घर दे रूम देखना है इनका, घर दे रूम देखना है, कैसा रूम है। तो मैं तो मना करता हूँ, मेरा रूम किसी को मत दिखाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट, 1 2 3। हाँ बच्चों,